हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्यूटोरियल्स। गाइस आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। हम कंसेप्ट देखेंगे गाइस हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी का। और गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि गाइस इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस में, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और गाइस जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे क्योंकि गाइस कंसेप्ट जो है वो काफी अच्छा है। इसमें काफी आपकी जो है नॉलेज टेस्ट होती है कि किस तरीके से आप जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम्स में आपको 110% आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो गाइस अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए गाइस आपको जो है बहुत दिक्कत होगी, है ना, और आपका जो काफी टाइम है वो वहां पे निकल जाएगा। बट अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो आप विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम तीन स्टेप में इस क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जो है इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जो थर्ड हमारा फाइनल स्टेप होगा गाइज उसमें हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला है और जो कंसेप्ट है उसके बीच में क्या रेलिवेंस है। ठीक है, इन केस आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तभी भी आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट। ओके गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं एचपी की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या। तो गाइज आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी तो सबने पढ़ाई होगा और सबको पता है एपी क्या होता है। एक सीरीज होती है जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14, so on। ठीक है, इस तरीके से एक सीरीज होती है, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, जो नंबर्स के बीच में गैप होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे गैप है 3, यहाँ भी गैप है 3, यहाँ भी गैप है 3, यहाँ भी गैप है 3। ठीक है, तो गाइस ये एक फिक्स जो है गैप से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एपी। तो एचपी क्या होता है गाइस, एपी इन रिवर्स। ठीक है, एपी का जो उल्टा होता है वो एचपी होता है। कैसे, जैसे कि 2 है तो अगर हम इसको 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14 इस तरीके से अगर ये आगे बढ़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, फिर ये गाइस एक एपी नहीं है, फिर क्या है ये, एक एचपी है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके की आपकी जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक हार्मोनिक सीरीज होती है। तो गाइस जो कंसेप्ट है, तो देखो जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम गाइस आपकी इस तरीके से आपके सामने आती है कि सपोज करो एक एचपी है 1/3 × 5 + 1/5 × 8 इस तरीके की एक सीरीज है। ठीक है, इसके अंदर दो ही टर्म्स है, आगे इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी एक सीरीज है, हमसे बोला जाए कि इसका जो है सम निकाल। तो गाइस पहली बात क्या है, अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे तो सीरीज छोटी है तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में एक लंबी सीरीज आपके सामने आएगी 10 टर्म्स, 20 टर्म, 30 टर्म, 50 टर्म्स तक। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो गाइस उसको आप जो है सबको ऐड करके सॉल्व नहीं कर सकते, आपके सामने कुछ ऐसा चीज होनी चाहिए जिससे आप उसको जल्दी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखो अब ये आपको जो है सॉल्व करना है। तो पहली बात तो ये देखो कि इसके अंदर दो छोटी छोटी एचपी हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये है 1/3 × 1/5 एक, तो ये दूसरी इसके अंदर है ये। ठीक है, ये ऑल्दो एक ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इनको इसने अलग अलग करके लिख दिया है और इनका उसने जो है सम आपसे पूछा है। ठीक है, तो गाइस ये कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम इसको जो है कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर डायरेक्टली आपको इसको फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना हो तो फॉर्मूला आपको ऐसे कहता है। देखो फॉर्मूले में पुट करने के लिए हम इसको कुछ डिवाइड कर लेते हैं। ये है इसका पार्ट वन, ये है इसका पार्ट नंबर टू। अगर आगे भी इसमें और कुछ होता तो पार्ट थ्री, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, ठीक है, सो वन एंड सो फोर्थ हो जाता। ये पार्ट वन है, ये पार्ट वन का टर्म नंबर वन है, ये पार्ट वन का टर्म नंबर टू है, ये पार्ट टू का टर्म नंबर वन है और ये पार्ट टू का टर्म नंबर टू है। ठीक है, तो देखो और जो इनका गैप है जिसको कि हम डी कहते हैं फॉर्मूले में, जो गैप है इनका 5 - 3 यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे से बनाएगा 5 - 3 2 है, 7 - 5 2 है। ठीक है, इस तरीके से जो इसका डी है वो क्या है 2। तो देखो फॉर्मूला आपके ऐसे कहता है
1 upon d into 1 upon total number of terms in one part minus 1. ठीक है, एक पार्ट के अंदर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से एक हमको घटा देना है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं दो, इसके अंदर भी दो हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दो और दो माइनस एक कर देंगे तो आपका एक आ जाएगा। ठीक है, ये डी है, आपका गैप है वन अपॉन, इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा वन अपॉन टू। इसके बाद गाइज वन अपॉन फर्स्ट पार्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखा है एफ पी फर्स्ट पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, एक्सेप्ट लास्ट टर्म एल टी, फर्स्ट पार्ट एक्सेप्ट लास्ट टर्म एल टी। एल टी क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म क्या है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसकी जो लास्ट टर्म है वो है ये। अगर यहाँ पे तीन डिजिट होती तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होता वो होता लास्ट टर्म। ठीक है, अगर चार होती तो उसका जो नेक्स्ट टर्म होता वो होता लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो माइनस वन अपॉन एल पी लास्ट पार्ट, यहाँ पे लास्ट पार्ट ये है, इसके आगे भी कोई अगर और यहाँ पे पार्ट होते तो वो होता लास्ट पार्ट। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ये दो टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो ये फर्स्ट टर्म है, इसको छोड़ने के बाद जो बचेगा सारा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ होता तो उसको छोड़ देते, बाकी सारा यहाँ पे लिख देते। तो ये गाइज आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख के देखते हैं, तो इसको जब हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो ये आपका बनेगा, गैप है आपका टू इंटू वन अपॉन वन अपॉन, जो फर्स्ट पार्ट है ये लिखेंगे एक्सेप्ट लास्ट टर्म, लास्ट टर्म छोड़ देंगे, तो यानी कि वन अपॉन थ्री, माइनस जो यहाँ पे वन अपॉन लास्ट पार्ट है ये लिखेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म छोड़ देंगे। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, तो 7 माइनस 3 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 2 से 4 को कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो जो आपका आंसर आएगा फाइनल वो आ जाएगा 2 अपॉन 20। ठीक है, तो ये गाइज आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो गाइज, ये तो हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला, बट फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों है, क्या है ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, ये हम यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखो अच्छा गाइज, अगर आप चाहो ना तो इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, वन अपॉन लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ वन पार्ट। ठीक है, कोई सर इसको हटा के, बाकी का ये वाला जो है सेम रहेगा, ये वाला ऐसा सेम रहेगा, इसको हटा के आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसका मतलब भी सेम है, सेम ही आपका आंसर आएगा। जैसे कि इसका मतलब है लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ वन पार्ट, कोई सा भी एक पार्ट ले लो, सपोज करो आपने ये वाला पार्ट ले लिया, इसकी जो सबसे बड़ी टर्म है उसमें से गाइज आपको जो सबसे छोटी टर्म है उसको वहां पे माइनस करना है, और जो आपका आएगा वही आपका यहाँ पे आप आ जाएगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर करें हम, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, हमेशा आंसर सेम आएगा। तो 1 अपॉन 7 माइनस 5 यानी कि आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं कंसेप्ट के ऊपर कि कंसेप्ट क्या है। तो देखो पहले हम इसी को यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहला काम हमें करना है वो है हमें इसको जो है ब्रेक करना है, इन दोनों पार्ट्स को ब्रेक कैसे करना है, इस तरीके से हमको ब्रेक करना है। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब ब्रेक कर लिया गाइस, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा ये 2 अपॉन 3 इंटू 5।
लेकिन हमने इसको ब्रेक किया है तो फाइनल आंसर भी यही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर आ रहा है 2, ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो यहाँ पे आया है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1/3 × 5 बचेगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट आपका पहले से ही सेम आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट सेम करने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला पार्ट आपका ब्रेक हो गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी, नीचे वाला पार्ट जो है आपका ये सेम आ जाएगा 5 × 7, बट ऊपर आपका आ जाएगा 2। तो इस 2 को हटाने के लिए हम यहाँ पे भी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, तो यानी कि ये वाला पार्ट आपका सेम आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो गाइज जब ये वाला पार्ट सेम आ गया, अब ये जो है एड हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि 1/2 आपका कॉमन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपने 1/2 को ले लिया कॉमन, फिर आपका जो बचा था आपने लिख दिया, अब देखो ये माइनस का 1/5 है, ये प्लस का 1/5 है, तो इससे ही हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आपका क्या बचा, आपका यहां बचा 1/2 × 1/3 − 1/7। ठीक है, तो गाइस ये जो है आपका आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2/3 × 7 यानी कि 2/20 आपका आ गया। ठीक है, तो गाइस देखो हमारा जो मेन काम था वो यहां तक पहुंचने का था, और आपको मैं चीज दिखाता हूं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था गाइस, वो क्या था, वो गाइस कुछ नहीं है, बस इस वाले स्टेप का एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, आपने इतनी सारी सब कुछ किया, जब आप यहाँ पे पहुंचे तो इसका जो जनरल स्टेटमेंट है वही मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इसको फॉलो करोगे तो सीधा इस स्टेप पे पहुंचोगे, ऊपर वाला स्टेप जो है आपका सारा स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने किया था 1/d × ये करोगे, तो यहाँ पे भी ये 1/2 × 1/1, तो आपका 1/2 वाला था। ठीक है, या फिर आप जो मैंने नीचे बताया था, एक लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 7 − 5 करोगे, तब भी आपका जो है 2 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा गाइस, फिर 1/3 मैंने आपसे क्या कहा था कि फर्स्ट पार्ट एक्सेप्ट लास्ट टर्म, फर्स्ट पार्ट एक्सेप्ट लास्ट टर्म, तो यानी कि 1/3 आएगा। यहाँ पे कहा था मैंने आपसे लास्ट पार्ट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट पार्ट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/7 ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये गाइस क्या है आपका, इसका एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको कि मैंने यहाँ पे एज ए फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और ये देखते हैं जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकेस आप फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करते हो, डायरेक्ट इस पे आप एक कंसेप्ट को यूज करते हो, तो आपको जो टर्म्स हैं इनको ब्रेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हम ये सीख लेते हैं कि टर्म्स ब्रेक कैसे करने हैं हमको, उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, और फिर हम जो सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आया था उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं 1/4 × 6 × 8 × 10, यहाँ पे सीधा हम 4 टर्म्स का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, प्लस 1/6 × 8 × 10 × 12। ठीक है, आगे इसमें और भी टर्म्स हो सकती हैं, अभी हम ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो तो हमें इसको ब्रेक करना है, हमें इसको ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक कैसे होगा, सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक लिखेंगे, जो एंड की जो लास्ट की जो नंबर होगा ना उसको छोड़ देंगे, उससे पहले जितने भी नंबर्स हैं सबको हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से, इसके बाद गाइस हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, यही वाला जो है, फिर हम लास्ट से इसको स्टार्ट करेंगे और आगे तक लिखेंगे, बस जो सबसे पहला वाला टर्म होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस 1/6 ×
8 into 10 into 12, ठीक है, सॉरी 12 वाला नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो इसको गाइज अब आप देखो, तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, ये गाइज आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये आपका सेम एलसीएम है, 10 ऊपर चला जाएगा आपका, माइनस 6 8 10 यहाँ पे भी है, 4 बचा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो गाइज ये आपका आएगा 6 अपॉन इस तरीके से, ठीक है। अब गाइज देखो नीचे वाला तो आपका सेम हो गया लेकिन ऊपर आपका आ गया 6, इस 6 को हटाने के लिए आप 1 इंटू 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले में भी आपको यही बताया था, ठीक है, कि आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो 10 माइनस 4 करोगे तब भी आपका 1/6 आ जाएगा। तो आप ये स्टेप नहीं करना चाहो, डायरेक्टली आप यहाँ पे जो है 1/6 लिख सकते हो यहाँ से देख के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने नंबर यहाँ लिखा है वो नंबर यहाँ पे लिखना है, नीचे आपका पूरा का पूरा सेम एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ब्रेक करना आ गया, इस वाले को भी ब्रेक करके देखते हैं एक बार, ठीक है। प्लस अब देखो इस वाले को जब आप ब्रेक करोगे तो सिंपल, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, बस लास्ट वाला टर्म छोड़ देना है, 6 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है। माइनस करना है यहाँ से 1 अपॉन 8 इंटू, यहाँ से स्टार्ट करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म छोड़ देना है, 8 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है। सेम गाइज यहाँ पे होगा, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है। 6 8 10 यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, माइनस 8 10 12 वहां पे है तो 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 12 माइनस 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 6, ठीक है। तो इस 6 को हटाने के लिए आपको पता है 1/6 जो है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब गाइज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला यहाँ पे कुछ और आ गया, तो गाइज यहाँ पे कुछ और नहीं आएगा, हर बार आपका सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि गाइज ये पूरी एक सीरीज चल रही है, ठीक है। तो क्योंकि नंबर एक सीरीज में चल रहे हैं तो गैप उनका सेम है, ठीक है। तो हमेशा गाइज आपका यही जो है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप 1/6 लिख दोगे, ठीक है। अब आपको 1/6 यहाँ से कॉमन ले लेना है, बस उनको लिख दो, 4 इंटू 6 इंटू 8 माइनस 1/6 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है, प्लस 1/6 इंटू 8 इंटू 10 माइनस 1/8 इंटू 10 इंटू 12, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, सेम नंबर है, ये से हो जाएगा कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, आपका जो बचेगा गाइस वो सेम नंबर है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो सिंपल आपको जो फॉर्मूला है वही आपका यहाँ पे बचेगा, एट इंटू 8, ठीक, ये गाइस आपका यहाँ पे नंबर बचेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो बेसिकली गाइस जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो बस आपका जो है एक तरीका है जिससे कि आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप इस वाले स्टेप के ऊपर पहुंच सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन जो कि आपका सीजीएल मेंस में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो गाइस क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है, आप इसको जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था, 1/3 इंटू 5 इंटू 7, देख रहे, ठीक है, प्लस 1/4 1 इंटू 4,
प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 इस तरीके से ये गाइज आपकी 20th टर्म तक है और आपसे जो है इसका सम जो है वो पूछा है। तो गाइज देखो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे तीन टर्म यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे तीन टर्म यहाँ पे दो टर्म ये क्या सीन है। तो गाइज ये सीन कुछ नहीं है सिर्फ इतनी सी बात है कि बेसिकली यहाँ पे उसने आपको दो जो है सीरीज यहाँ पे दी है। पहली सीरीज है आपकी ये वाली अरे गाइस ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये वन इंटू थ्री इंटू फाइव है और ये आपका 3 × 5 × 7 है इस तरीके से। ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीरीज। तो देखो ये आपके दो यहाँ पे सीरीज हैं 1 × 3 × 5 एक सीरीज ये वाली है और एक सीरीज आपकी ये वाली है 1 × 1 × 4 तो आपकी ये दो सीरीज हैं। तो आपको क्या करना है इन दोनों सीरीज का अलग अलग सम निकालना है और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस वाली सीरीज को ले लेते हैं। तो देखो या तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर लो या फिर आप इसको कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले कंसेप्ट के साथ फिर एंड में उसमें फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। तो देखो ये है तो आपने यहाँ पे इसको लिखा इसको आपने ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है तो गाइस अब आपको पहले तो ये देखना है कि ये 20th टर्म तक जाएगी। ठीक है दो सीरीज है एक के बाद एक आ रही है तो मतलब 10 टर्म इसके होंगे और 10 टर्म उस दूसरी वाली सीरीज के होंगे। ठीक है तो गाइस इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो है ये और जो इसका 10th टर्म होगा वो क्या होगा। तो गाइस इसका जो 10th टर्म होगा वो होगा कि देखो यहाँ पे गैप कितने का है यहाँ पे गैप है 2 का। ठीक है तो 2 का गैप है गाइस अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हर बार गाइस अगर 10th टर्म की सीरीज है तो उसमें जो गैप है वो गाइस 9 बार उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है जो पहला टर्म होगा तो जो गैप है वो होगा 0 क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड टर्म ही नहीं है गैप निकालने के लिए। ठीक है जब दूसरा टर्म होगा तो गैप का इंक्रीमेंट होगा 1 बार यहाँ पे 3 आ गया तो गैप जो है 2 का 1 बार इंक्रीज हो गया। जब थर्ड टर्म आएगा तो गैप जो है वो दूसरी बार इंक्रीज होगा। ठीक है तो ऐसे ही जब 10th टर्म आएगा तो गैप आपका जो है 9th टाइम इंक्रीज होगा। जब 9 बार गैप इंक्रीज होगा तो एक बार में 2 इंक्रीज होता है तो 9 बार में गैप 18 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है तो जब 9 बार में 18 इंक्रीज हो जाएगा तो स्टार्ट हुआ है 1 से तो 18 बार इंक्रीज होने के बाद कहां पहुंचेगा 19 पे। ठीक है तो आपका जो 10 × 21 × 23 आप इसको चाहो तो डायरेक्ट एपी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है या फिर आपको यह भी पता होगा कि जो 10th ऑड टर्म है वो क्या है गाइस वो 19 है तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो या फिर एक बार में 2 का गैप है 9 बार गैप लगा तो आपका 18 जो है टोटल इंक्रीमेंट होगा। 1 से 18 का इंक्रीमेंट होगा तो 19 पे वो पहुंच जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है तो ये इसका फर्स्ट टर्म होगा ये इसका 10th टर्म होगा। तो देखो इसको हम ब्रेक करते हैं 1 अपॉन यहां से स्टार्ट करेंगे लास्ट वाला टर्म छोड़ देंगे 1 अपॉन 1 × 3 माइनस एंड से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे 5 × 3। ठीक है इस तरीके से हर बार जो है होगा और फिर फाइनली हम जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे या फिर छोड़ो अभी देखो तो यहाँ पे गाइस 1 अपॉन 2 का जो है मल्टीप्लाई होगा क्यों क्योंकि गाइस अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे 4 2 नहीं आएगा 4 आएगा। ठीक है 1 अपॉन 4 आएगा। ठीक है क्यों क्योंकि गाइस 1 × 3 × 5 तो 1 3 तो यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया 5 3 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया 1 तो 4 आ जाएगा ऊपर। ठीक है तो उस 4 को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसके बाद गाइस इस तरीके से ये आगे जाता हुआ ये पहुंचेगा 10th टर्म पे पहुंचेगा तो 10th टर्म में भी हम सेम यही चीज करेंगे 1 अपॉन 19 × 21 माइनस 1 अपॉन 21 × 23। ठीक है अब यहाँ पे भी गाइस जो गैप है वो 4 का आएगा ऊपर तो 4 को हटाने के लिए यहाँ पे 1 अपॉन 4 लिख देंगे। अब 1 अपॉन 4 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 1 × 3 माइनस 1 अपॉन 3 × 5 1 अपॉन 19 × 21
माइनस वन अपॉन 21 इंटू 23। ठीक है, अब गाइज आपको पता है जब सेकंड टर्म होगी तो उस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो थर्ड टर्म होगी उससे नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल होते होते सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बस सिर्फ एक यही वाली टर्म जो है यहाँ पे सेफ रहेगी। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा और एक डिटेल वो देता हूँ। अगर यहाँ पर हम इसको तीन टर्म मान लें तो हम तीन टर्म लेके जो है इसको अच्छे से समझ के देख लेते हैं। जैसे कि तीन टर्म इसी की लेके देख लेते हैं, वन अपॉन वन इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस वन अपॉन फाइव इंटू सेवन इंटू नाइन। ठीक है, ये मान लीजिए तीन टर्म है तो वन अपॉन फोर का गैप तो यहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद तो टर्म्स क्या बचेंगी, वन अपॉन वन इंटू थ्री माइनस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव, ये तो फर्स्ट वाली टर्म की होंगी। फिर तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन थ्री इंटू फाइव माइनस वन अपॉन फाइव इंटू सेवन, ये सेकंड वाली टर्म की होंगी। और फिर ये होंगी थर्ड वाली टर्म की, फाइव इंटू सेवन प्लस वन अपॉन सेवन इंटू नाइन माइनस नाइन। ठीक है, तो देखो वन अपॉन वन इंटू थ्री सेफ है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एक ये टर्म बची, सिर्फ एक ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये वाली जो सीरीज होगी इसमें भी सेम यही चीज होगी और आपकी जो है सारी टर्म्स जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ एक फर्स्ट वाली टर्म बचेगी और एक जो है लास्ट वाली टर्म बचेगी, बाकी सारा बीच का पार्ट जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने वन अपॉन फोर जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो देखो ये वाली पार्ट सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला भी जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसको आप यहां पे लिखोगे ठीक है, तो अब देखो इसका जो आप एलसीएम लोगे तो आपके एलसीएम आ जाएगा ट्वेंटी वन, क्योंकि थ्री और ट्वेंटी वन का जो एलसीएम है वो ट्वेंटी वन ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेवन इंटू ट्वेंटी थ्री माइनस वन और ये वन अपॉन फोर आपका यहाँ पे है ही। ठीक है, तो सेवन इंटू ट्वेंटी थ्री करोगे तो आपका ये आ जाएगा वन सिक्सटी वन माइनस वन यानी कि वन सिक्सटी। ठीक है, ये आपका वन सिक्सटी आएगा, तो फोर से आप इसको काटोगे तो वैसे ये आपका बचेगा 40। तो ये तो आपका जो है फर्स्ट जो सीरीज है उसका जो है सम आ गया, क्या आ गया 40 अपॉन 21 इंटू 23। चलो अब हम जो है सेकंड वाली सीरीज है उसका सॉल्व करके एक बार देखते हैं। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सेकंड सीरीज है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो आपकी फर्स्ट वाली सीरीज का जो सम आया था वो आया था 41 अपॉन 21 इंटू 23। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड वाली सीरीज है, ये है 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 इस तरीके से 10th टर्म तक। ठीक है, तो इसका जो 10th टर्म है वो क्या होगा, तो यहाँ पे गैप है 3 का। ठीक है, 10th टर्म है मतलब 9 बार गैप लगेगा यहाँ पे, तो यानी कि 27, एक से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि जो 10th टर्म होगा वो होगा यहाँ पे 28। ठीक है, तो देखो जो इसका 10th टर्म होगा वो 28 से स्टार्ट होगा यानी कि 1 अपॉन 28 इंटू 31। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, जो गैप आएगा वो आएगा 3 का। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 3, डायरेक्ट हम यहाँ पे जा रहे हैं 1 अपॉन 28 माइनस 1 अपॉन 31। ओके, तो यहाँ से हम 1 अपॉन 3 जो है कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस और ये आपका आ जाएगा माइनस वन अपॉन सॉरी प्लस वन अपॉन 28 माइनस वन अपॉन 31। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके, सिर्फ ये जो दो टर्म्स हैं आपके बचेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला माइनस वन अपॉन 31। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 31। ठीक है,
इधर 31 माइनस 1 तो ये आ जाएगा आपका 30, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, तो 10/31, तो जो आपका सम आएगा सेकंड वाली सीरीज का वो आपका आ जाएगा 10/31। ठीक है, तो अब इन दोनों को बस आपको ऐड करना है। तो देखो ये ऐड कैसे होगा, इसमें भी एक थोड़ी सी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है वो देखो कि आप इसको ऐड कर रहे हो 40/21 × 23, ठीक है, प्लस 10/31। अब गाइज अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ऐड करोगे तो गाइज आपका बहुत ज्यादा वहां पे एग्जाम में टाइम खराब होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑप्शंस की हेल्प लोगे और उससे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो या तो गाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीपल चेक कर सकते हो, उससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन जो आपके सवाल में है उसमें आप देख सकते हो कि इसमें 21 का मल्टीपल कौन सा है, 21 का मतलब 7 × 3 का। अगर किसी डिनोमिनेटर में आपको 7 का मल्टीपल मिलता है और सिर्फ एक ही है तो आपका आंसर सीधा वही हो जाएगा। दूसरा गाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता है गाइज ये आपका आने वाला है एलसीएम 21/23 × 31। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 × 23 × 31 प्लस 40 × 31 + 10 × 21 × 23। इस तरीके का गाइज आपका ये आएगा। आप डायरेक्टली 10 यहां से कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो 4 × 31 करोगे आप तो आपका सीधा आप यहां पे लिख सकते हो 124। ठीक है, प्लस 21 × 23। 21 × 23 कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि ये आपको हो जाएगा 21 × 3 = 63 आ गया, 21 × 2 = 42 और ये 483। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 483। उसके बाद गाइज आप उनको ऐड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 7। ठीक है, 7 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 5 × 6 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 करोगे तो 6070 आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका सही आंसर है, क्योंकि सिर्फ उसी के न्यूमीटर में गाइज ये वाला नंबर आपको मिलेगा और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्टली यहां से भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो यहां से भी चेक कर सकते हो, 10 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था 6070 आएगा तो वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो गाइज ये आपका जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर डायरेक्टली हम इस पर फॉर्मूला लगाते तो हमारे लिए ये क्वेश्चन कितना छोटा पड़ता। आप एक बार ये देखो, इस पे लगाते जब हम फॉर्मूला तो 1/d करते आप तो d कितना है आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, और 2 × 2 करते तो आपका हो जाता 4। 2 × 2 क्यों, मैंने आपको बताया था 1/d × 1/TNT-1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है, उसमें से एक घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 बार गैप आपका इंक्रीज हुआ है, सिंपल इतना यहाँ पे गैप है। ठीक है, एक बार में 2 इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम गैप कितना होगा 2 × 2 यानी कि 4, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम गैप, जो कि दूसरा मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इससे भी आपका जो है गाइस मैक्सिमम गैप ही निकलेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया, तो 1/4 आपका यहाँ पे आ गया। 1/1 एक्सेप्ट लास्ट टर्म यहाँ पे 5 है तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है 1 × 3 माइनस लास्ट पार्ट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट पार्ट इसका क्या होगा जो 10th टर्म है वो होगा। ठीक है, तो 10th टर्म आपकी क्या होगी 19 × 21 × 23। तो आप जो फर्स्ट टर्म है इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 × 23। तो गाइस ये तो आपका हो गया इस वाली इक्वेशन का सम, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसका सम क्या होगा आपका, तो उस वाली इक्वेशन का सम होगा आपका, ये 1/4 है तो यहाँ पे गैप आ जाएगा 1/3 का। ठीक है, तो 1/1 माइनस ये आपका क्या है फर्स्ट पार्ट एक्सेप्ट लास्ट टर्म, और जिसका 10th टर्म है वो क्या होगा 28 × 31। ये आपका जो है इसका 10th टर्म होगा, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट को हटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा आपका। ठीक है, अब बस इसको आपको सम करना है, तो अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, उसके बाद आप जो है डायरेक्ट जो है प्रोसेस यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको उतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस इन केस
अगर आप जो है इसका जो फॉर्मूला है वो भूल जाते हैं तो आप कंसेप्ट के साथ इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद रहता है तो गाइस विद इन सेकंड्स आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एंड गाइस बिलीव मी, ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में आप जरूर दिखेंगे, 110% आपको जो है दिखेंगे, प्री में मेंस में दोनों की दोनों जगह आपको सवाल जो है दिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताएं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपने सवाल जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।